नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की झांसी रोड पुलिस ने विख्यात टाटा मोटर्स की एजेंसी से स्पेयर पार्ट चुराने के मामले में एक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कर्मचारी शिवरी लिंग रोड पर स्थित टाटा मोटर्स की एजेंसी पर लंबे अरसे से तैनात था। कुलदीप भरद्वाज नामक यह कर्मचारी टाटा मोटर्स के स्पेयर पार्ट के कार को संभालता था। उसने दिसंबर 2016 से 2 फरवरी 2022 के बीच करीब 17 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट धीरे धीरे गायब कर दिए। संस्थान ने जब अपने माल का ऑडिट करवाया तब यह चोरी पकड़ में आई। पुलिस ने टाटा मोटर्स के एक अन्य कर्मचारी शिवाजी राव की शिकायत पर कुलदीप भरद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कुलदीप भरद्वाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना झांसी रोड के अंतर्गत टाटा मोटर्स है, जाके कुलदीप अग्रवाल के द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी, जिसमें उसके उनके द्वारा ये बताया गया कि वो स्पेयर पार्ट्स सेल करने का काम करते हैं और उनके यहाँ कई कर्मचारी काम करते हैं। तो अभी जब ऑडिट कराया गया तो उसमें जब ऑडिट कराने पर 16,50,000 के लगभग का जो सामान था वो गायब था। तो फिर इसके बारे में जब पता किया गया तो जिम्मेदार कर्मचारी था वो भी गायब था। तो उस पर उनके द्वारा थाना झांसी रोड में FIR रजिस्टर्ड करा दी गई है। धोखाधड़ी अमानत में खयानत की, तो उसमें केस रजिस्टर्ड है और अभी आरोपी फरार है। तो उसमें जल्दी उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।